दोस्तों आज हम बोया B/M1 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये माइक हमने मंगवाया है अमेज़ॉन से। दोस्तों अगर अच्छी वॉइस क्वालिटी चाहिए तो माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया B/M1 की ही है। आगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि बोया B/M1 माइक और फ़ोन के माइक में कितना डिफरेंस है। अब आगे जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी फ़ोन के माइक से रिकॉर्डिंग, तो आप खुद ही अंतर देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है। दोस्तों निकला बिल, इसे साइड में रख देते हैं। ये बोया का माइक। बोया B/M1 सभी यूट्यूबरों का फेवरेट माइक। दोस्तों अब तो आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि किसकी आवाज़ बेटर है, बोया B/M1 माइक की या फ़ोन की। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपने अगर एक नया चैनल क्रिएट किया है और आपका अगर बजट नहीं है बोया माइक खरीदने का, तो आप फ़ोन के माइक से भी काम चला सकते हैं मित्रों। हाँ अगर आप लोगों का बजट है 700-800 रुपये का, तो आप बोया माइक ज़रूर ख़रीदें। दोस्तों ये निकला है बोया का स्टिकर्स और आगे देखते हैं और क्या है। ये है इंस्ट्रक्शन बुक और ये है बोया की तरफ से एक गारंटी कार्ड। दोस्तों एक लेदर पाउच दिया गया है बोया माइक को रखने के लिए। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। बहुत ही मजबूत पाउच है जिस पर बोया की ब्रांडिंग दी गई है। इसे छूकर ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी मजबूत पाउच है। जब जब इस वीडियो में बहुत तेज और क्लियर आवाज़ सुनाई दे, तो आप लोग समझ जाना कि ये बोया माइक की आवाज़ है। और देखते हैं इस पॉलीथीन में क्या क्या है। इसमें निकली है एक सेल जो कि आगे जाकर अपन लगाएंगे बोया माइक के कंडेंसर में। और क्या है इसमें, ये निकली है एक क्लिप जो कि हम शर्ट या टी शर्ट में लगा सकते हैं, जिससे कि माइक शर्ट या टी शर्ट पर हैंग कर सकें। काफ़ी अच्छी क्वालिटी क्लिप है। और ये एक निकला है कनेक्टर और ये है एयर प्यूरीफायर। जैसे कि हम कभी मार्केट में वीडियो बनाते हैं तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, इस नॉइज़ को ये एयर प्यूरीफायर काफ़ी हद तक कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये स्टिकर देखकर ही ख़रीदें हमेशा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी लोकल कंपनियां भी बना रही हैं बोया माइक को, इसलिए हमेशा देख परख कर ही ख़रीदें। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ओरिजिनल और फेक बोया माइक कैसे पहचाने। इसके लिए सबसे पहले बोया माइक के डब्बे के स्टिकर के ऊपर जो पॉलीथीन लगी है उसे हम हटा देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, इस QR कोड को हम अपने स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे। इसके लिए हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और अब हम अपने मोबाइल के QR कोड स्कैनर से डब्बे के ऊपर जो QR कोड है उसे स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के बाद बोया की ऑफिशियल लिंक आ गई है, अब हम गो टू वेबसाइट करेंगे। जैसे ही हम गो टू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बोया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा और ओके करेंगे और ये ऑटोमेटिक QR कोड का सीरियल नंबर डिटेक्ट कर लेगा और हम इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस पर लिख कर आ गया है
कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेज ऑफ ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट्स। इसका मतलब दोस्तों, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है। हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है वो लोकल नहीं है, वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन है और असली है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बोया BY-AMBER माइक से, और आगे जो आप आवाज़ सुनेंगे वो सुनेंगे फ़ोन की आवाज़, फ़ोन के माइक की आवाज़। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये पूरा 20 फुट का वायर है, जिससे आप कहीं भी कितने भी दूर खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं कितनी भी दूरी से। ये दिया गया है कंडेंसर और इसमें एक दिया गया है स्विच, जैसे कि हमको अगर DSLR कैमरे से वीडियो शूट करना है तो इसे हम कर देंगे ऊपर, और नॉर्मली हमको अगर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से वीडियो शूट करना है तो इसे हम हमेशा नीचे रखेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से शूट करता हूँ, इसलिए मैं इसका स्विच नीचे रखता हूँ। और अगर आप अपने वीडियो DSLR कैमरे से शूट करते हैं तो उसमें आपको डालनी पड़ेगी एक सेल, क्योंकि ये वॉइस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और अगर आप अपने वीडियो एंड्रॉयड मोबाइल से शूट करते हैं तो इसमें सेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना सेल के भी ये काम करेगा। चलो अब हम डाल लेते हैं सेल। सेल हमेशा प्लस माइनस का निशान देखकर ही डालें, सेल पर भी प्लस माइनस का निशान है और कंडेंसर पर भी, तो दोनों के निशान मिलाकर ही सेल डालें और घुमाकर अब इसे कर लेते हैं बंद। दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो देखते देखते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। और अब हम एयर प्यूरीफायर पफ को अपने माइक में अटैच कर लेते हैं। इसे अटैच करने के लिए आप इसे थोड़ा सा माइक के ऊपर लगा के थोड़ा सा हल्के हाथ से पुश कर दीजिए और ये उस पर फिट हो जाएगा। दोस्तों ये बोया माइक अमेजोन से ख़रीदने पर हमें पड़ा है मात्र 750 रुपये का। ये देखो दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से एयर प्यूरीफायर पफ को फिट कर लिया है माइक के ऊपर। और दोस्तों एक मैं अपनी पर्सनल सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपका वीडियो अगर HD क्वालिटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ आपकी वॉइस HD क्वालिटी में होनी चाहिए तो लोग आपका वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे और आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम माइक को क्लिप से अटैच कर लेते हैं, क्योंकि क्लिप से इसके लिए आपको माइक के ऊपर एक खांचा दिखेगा, उसके ऊपर क्लिप को थोड़ा सा पुश करेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये अटैच हो जाएगा। क्लिप की सहायता से हम माइक को अपने साइड या टी शर्ट के ऊपर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये माइक ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता सुंदर और मज़बूत माइक है। इससे आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर जाएगी आपके वीडियो में और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वॉच होगा, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई माइक नहीं है दोस्तों।